अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। हमें गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज का अमाउंट, ओपनिंग इन्वेंटरी, क्लोजिंग इन्वेंटरी। इन चार आइटम्स की हेल्प से हमें जीपी रेशो फाइंड आउट करना है और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जीपी रेशो की ओर। जीपी रेशो का फॉर्मूला होता है जीपी डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीपी को फाइंड आउट करेंगे। जीपी अमाउंट की फॉर्म में अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से मुझे क्या माइनस करना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो गिवन है कितना, 2 लाख, बट ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें गिवन नहीं है। तो ये वाली आइटम जो हमें फाइंड आउट करनी है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, परचेज प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्वेश्चन में हमें परचेज का अमाउंट गिवन है कितना, 1,69,000, ओपनिंग इन्वेंट्री भी गिवन है 35,500, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 44,500। तो मैंने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये फाइंड आउट करने के लिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया, परचेज प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। हाँ, ओपनिंग इन्वेंट्री आपको फर्स्ट में लगानी होती, फॉर्मूला में देख लेना, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ओपनिंग इन्वेंट्री पहले लिख देना, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हाट एवर जो भी है माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये यहां पे मैंने सेकंड नंबर पे रखा है, बट इट्स ओके। तो अब आप क्या कीजिए, इसका टोटल कर लीजिए। इसका जब आप टोटल करेंगे तो आप देखना, तो ये आ गया हमारा 1,60,000। मतलब जो गुड्स हमने 2 लाख रुपए में सेल की है उसकी कॉस्ट कितनी है, 1,60,000। तो इसका जो बैलेंस मैंने फाइंड आउट किया है, सोल्व किया है, वो है 1,60,000। तो डेफिनेटली आपने 1,60,000 की प्रोडक्ट्स को 2 लाख में सेल किया है, तो आपका 40,000 का यहां पर क्या हो गया है, ग्रोस प्रॉफिट हो गया है। कितना का ग्रोस प्रॉफिट हो गया, 40,000 का ग्रोस प्रॉफिट। अब आप जीपी रेशो तो फाइंड आउट कर सकते हो, जीपी कितना आ गया 40,000, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको ऑलरेडी पता है कितना, 2 लाख, मल्टीप्लाई आप 100 कर देना तो यहां आपका आंसर आ जाएगा 5, और यहां पर ये 20%, तो आपका जीपी रेशो कितना आ गया 20%। कितना आ गया जीपी रेशो, आपको पता चल गया है 20%। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेशो की ओर। हमको फाइंड आउट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, यहां से कितना आया था ये अमाउंट, तो ये 1,60,000। आगे देखिए, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, दोनों की हमें एवरेज करनी होती है। तो इसको आप टोटल करना, डिवाइड कर देना 2 से, एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा आपके पास 40,000। तो यहां पर अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 times। तो सिंपल सा फॉर्मुलेशन हमने किया इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया है ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, बट इसका फॉर्मूला हमने यहां पर अप्लाई किया, अमाउंट आ गया 160, यहां पे पुट किया, ग्रोस प्रॉफिट आ गया, फॉर्मूले में ग्रोस प्रॉफिट लगाया, ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था 2 लाख, सोल्व किया था, ग्रोस प्रॉफिट आ गया हमारे पास 20%। फिर हमने सोल्व किया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो यहां पर हमने ये तो हमने पहले फाइंड आउट कर लिया था, और एवरेज इन्वेंट्री हमने यहां से फाइंड आउट किया इनकी एवरेज की, तो हमारे पास आ गया 4 times। तो यह थे हमारे 2 रेशो, फर्स्ट था हमारा जीपी रेशो एंड सेकेंड इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो।